क्रोमाटोन्स कैरेक्टर मेकर से हम अपना खुद का कैरेक्टर बना सकते हैं और इसे क्रोमाटोन्स ऐप में इम्पोर्ट करा सकते हैं। तो यहाँ से हम पेन की साइज और इरेजर की साइज चेंज कर सकते हैं, कलर भी चेंज कर सकते हैं। पेन पर हम क्लिक करके इस तरह से ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर के अलग अलग बॉडी पार्ट मिलेंगे तो उस पर हमें आउटलाइन बनानी है। तो इस तरह से हम ड्राइंग कर सकते हैं, लेकिन कैरेक्टर की ड्राइंग करने के बाद उसको सेव करने के लिए और इस कैरेक्टर को क्रोमाटोन शेप में इंपोर्ट कराने के लिए एक महत्वपूर्ण सेटिंग है, उसको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। तो इस तरह से हम ड्राइंग कर सकते हैं और फेस की ड्राइंग हो जाने के बाद हम प्लस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे और कैरेक्टर के दूसरे बॉडी पार्ट पर जाएंगे। तो इस तरह से फिर से प्लस पर क्लिक करना है और फिर पेन पर क्लिक करना है, तभी हम ड्राइंग कर पाएंगे। तो इस तरह से आप ड्राइंग कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर ड्राइंग हो जाने के बाद हम प्लस पर क्लिक करेंगे और दूसरे पार्ट पर जाएंगे और फिर प्लस पर क्लिक करेंगे और फिर पेन पर क्लिक करेंगे और इस तरह से ड्राइंग कर लेंगे। फिर से हम प्लस पर क्लिक करेंगे और कैरेक्टर के दूसरे बॉडी पार्ट पर जाएंगे और फिर से प्लस पर क्लिक करना है और फिर पेन पर क्लिक करना है और इस तरह से आउटलाइन बना लेंगे। अब कैरेक्टर की आँखों पर भी आउटलाइन बना लेंगे। और फिर हम कलर भी चेंज करके इस तरह से भी कर सकते हैं। कैरेक्टर के सभी बॉडी पार्ट की ड्राइंग हो जाने के बाद हमें सेव स्क्रीन पर क्लिक कर देना है। तो हमारा कैरेक्टर है वो सेव हो जाएगा और फिर हम जब इस पर क्लिक करेंगे और तो आइकन पर, तो इस तरह से हमारा कैरेक्टर दिख जाएगा। तो इस तरह से हमारा कैरेक्टर रेडी हो चुका है। यह कैरेक्टर हमारे फाइल मैनेजर में कैरेक्टर टेक्सचर नाम से सेव हो जाएगा इस तरह से। तो इसको हमें सिलेक्ट करना है और इसको हमें एक कैरेक्टर्स नाम का एक फोल्डर बनाना है, तो इसमें हमें पेस्ट कर देना है और इसका नेम भी चेंज कर देना है। और याद रह सके ऐसा छोटा सा कोई नेम रख सकते हैं। तो इस तरह से मैं इसका नेम ABC कर देता हूँ। तो अब हम इस कैरेक्टर को क्रोमाटोन शेप में इम्पोर्ट करेंगे। कैरेक्टर के ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर हमें इम्पोर्ट कस्टम पर जाना है और यहाँ पर हमें कैरेक्टर का जो नेम दिया था उसको यहाँ लिखना है और फिर ओके देना है और फिर लोड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। तो हमें क्या करना है, फ्रॉम ड्राइव पर टिक लगा देना है और फिर लोड पर क्लिक करना है तो हमारा कैरेक्टर आ जाएगा। एक और कैरेक्टर इम्पोर्ट करके मैं दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमें इम्पोर्ट कस्टम में जाना है और कैरेक्टर का नेम लिखना है और फिर ओके देना है और फिर फ्रॉम ड्राइव पर टिक लगा देना है और फिर लोड पर क्लिक करना है तो हमारा कैरेक्टर आ जाएगा। तो हमें ऐड देखनी पड़ेगी और फिर इस तरह से कैरेक्टर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें जो भी मूवमेंट कराना चाहते हैं वो कर सकते हैं इस तरह से। तो आप अच्छे से कैरेक्टर बना सकते हैं और फिर IBS पेंट में जाकर इसको पेंट भी कर सकते हैं और अच्छे से कैरेक्टर बना सकते हैं। तो इस तरह से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से कैरेक्टर बना सकते हैं और यहाँ इम्पोर्ट करा सकते हैं। तो अब मैं एक ज़रूरी सेटिंग बताऊँगा। क्रोमाटोन्स ऐप को प्रेस करना है और फिर ऐप इन्फॉर्मेशन पर जाना है और यहाँ पर हमें इस तरह से दिखेगा। तो इस पर हमें जाना है और फिर इसको हमें ऑन कर देना है तो इस तरह से दिखेगा। तो यहाँ पर हमें टिक लगा देना है और फिर हमें ओके देना है तो इस तरह से हो जाएगा। क्रोमाटोन्स कैरेक्टर मेकर ऐप में भी इसी तरह सेटिंग कर लेनी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।